Do you ever listen about the menstrual cup? Do you want to use it? You want to use it, but don't know how to use it. All of these questions are roaming around your mind. Then this video is for you. Please watch it. Alright guys, whenever it comes to a female intimate hygiene, there are lots of people who don't want to talk about this openly. I don't know why. उसको थोड़ा सा शर्म आ जाता है या क्या हो जाता है. They feel little bit of shy and हर कोई इस बारे में बहुत ही openly बात नहीं करना चाहता. And one of my subscriber जो बहुत ही teenage में है and she has some questions in her mind and उन्होंने मुझे Instagram में भी काफ़ी ज़्यादा बार DM करे and also she has commented on one of my video कि दीदी आप हमें कुछ एक इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड कोई एक वीडियो बनाएं और हमें कुछ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आप बताएं कि कैसे यूज़ करा जाता है, क्या है एंड ऑल द डिटेल्स शी वांट्स टू नो. तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं जो बहुत ही सारी जो मेरी व्यूअर्स हैं जो फीमेल हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. बिकॉज जब भी बात होती है एक मेंस्ट्रुअल कप की तो बहुत सारी चीज़ें लड़कियों के दिमाग में आती है, कुछ यूज़ करना चाहती हैं बट यूज़ नहीं कर रही हैं बिकॉज उनको कुछ ना कुछ माइंड में ऐसा चलता है कि दिस इज़ नॉट सेफ, दिस इज़ नॉट फॉर अस, ओनली मैरिड कैन यूज़ इट और लीकेज का प्रॉब्लम एंड देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में चलते हैं. ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू मी तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ सोची थी. मुझे लगा था कि शायद इट्स नॉट सेफ और जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आता ना तो मुझे नहीं लगता कि उसको मैं तो तुरंत नहीं परचेज करती हूँ. थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा आई टुक टाइम ऑन रिव्यूज़ की, दूसरों के रिव्यूज़ देखती हूँ कि हाँ उनको सही लगा कि नहीं लगा एंड तब मैं उस चीज़ को परचेज करती हूँ. बट ये जो मेंस्ट्रुअल कप है इसको यूज़ करते करते मुझे ऑलमोस्ट 6 to 7 months हो चुके हैं. मैंने सोचा कि चलो अब दिस इज़ द राइट टाइम कि इसको मैं इसका एक रिव्यू कर सकती हूँ अच्छे से. तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मेरे पास जो मेंस्ट्रुअल कप है वो है फ्रॉम ब्रांड सेरोना. देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की बहुत ही अच्छी से पैकेजिंग में मिलता है. मतलब मुझे इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी. कुछ इस तरीके का ये एक कार्डबोर्ड का ये एक डब्बा है और इसके अंदर कुछ इस तरीके का एक एक थैली सी आती है बहुत ही छोटी सी. मतलब कि आप अगर चाहें तो इसको आप अपने पर्स में बहुत ही जो ऑफिस गोइंग है कॉलेज गोइंग गर्ल्स है इजीली इसको कैरी कर सकती हैं और इसको ऐसे क्लोज करके अपने बैग में रख सकती हैं. सो इट विल नॉट विजिबल टू एनीवन अगर कोई आपके बैग को छेड़ता भी है तो. सो जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका इसके अंदर होता है. एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, इसके साथ आपको एक चीज़ और फ्री मिलती है, दैट इज़ दिस. और जो ये है ये है एक मेंस्ट्रुअल कप वॉश जो आप लोगों को इसके साथ ही मिलेगा और ये बहुत ही छोटा सा है. मतलब मुझे लगता है कि इसके साथ आप इसको लेके घूमेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है. एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस्ट्रुअल कप, मेंस्ट्रुअल कप जो है वो कुछ इस तरीके का मिलता है और ये कुछ पिंक कलर का अच्छा है. बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ऑडरलेस है, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी ऑडर नहीं आने वाली. तो गाइस जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जस्ट नॉर्मली ये जो आपका ये जो मेंस्ट्रुअल कप है आपने इसको बॉइलिंग वाटर में डाल देना है सो दैट अच्छे से इसके जितने भी जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होंगे सारे के सारे क्लीन हो जाएंगे और आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. और इसको यूज़ कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ करने से किसी भी तरीके की वर्जिनिटी लूज होती है या फिर बहुत ही अलग अलग तरीके के मिथ्स होते हैं. लोगों को लगता है कि ये जो कप होता है ये अंदर लॉस्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं होता है. और कुछ लोगों को लगता है कि हैवी फ्लो के लिए ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो ऐसा नहीं है. ये आपका 15 ml की जो क्वान्टिटी होती है उसको काफ़ी ईजिली होल्ड कर लेता है और इसको यूज़ करने के बाद आप ईजिली आप ट्रैवल कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो स्विमिंग भी कर सकते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि इसको इंसर्ट करने के बाद आप पी नहीं कर सकते, पूप नहीं कर सकते, सो ऐसा भी कुछ नहीं है. आप दोनों चीज़ें इजीली कर सकते हो अगर आपने इसको भी यूज़ कर रखा है तो. सो इट्स सेफ एंड आई फील लाइक कि इससे किसी भी तरीके की कोई इचिंग, कोई प्रॉब्लम, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है अगर आप इसका एक अच्छे से केयर करते हैं. एंड मेंस्ट्रुअल कप जो है ये आप 8 to 10 hours के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं. अगर आप नाइट में इसको यूज़ करके सोते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. जस्ट अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है तो फिर आप लोगों को क्या करना है, आपने 2 to 3 hours के इंटरवल में आपने इसको चेंज करते रहना है और जितना भी होल्ड करता है उसको फेंक के आपने इसको दोबारा से यूज़ कर लेना है. रीयूजेबल है, टॉक्सिक फ्री है और लॉरलेस है, एलर्जी फ्री है, तो आप इसको बहुत ही ईजिली यूज़ कर लेंगे. आई डोंट थिंक कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होने वाली है. ओके वन मोर थिंग गाइज, अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इंसर्ट करने में थोड़ी सी इशू आती है, बट येस कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो बिकॉज पहली बारी में कोई भी चीज़ किसी भी इंसान को नहीं आती है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है. एक दो बारी आप यूज़ करेंगे डेफिनेटली आप लोगों को यूज़ करना आ जाएगा. तो इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ दे रखी, दैट इज़ दिस एंड दिस इज़ सिरोना मॉइस्चराइजिंग ल्यूब ट्यूब. जो आपने क्या करना है, आपने अपने जो मेंस्ट्रुअल कप है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है और इसको यूज़ कर लेना है. बहुत ही ईजी जो है ये आप लोगों का इंसर्ट हो जाएगा.
तो ये दो प्रोडक्ट। सो गाइस जो थर्ड प्रोडक्ट है जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो मैंने आप लोगों को दिखाया था अपना मेंसुरल कप के साथ में छोटी सी जो डब्बी थी बॉटल थी वो उसी का ही बड़ा वाला है रेंज। तो मतलब आप परचेज करना चाहते हैं तो ये भी परचेज कर सकते हैं। दिस इज सिरोना हाइजीन मेंसुरल कप वॉश। और आपने इसको यूज़ कैसे करना है, लाइक आपने जो जब आपने अपना मेंसुरल कप यूज़ करा उसके बाद इसकी 1 or 2 ड्रॉप डालनी है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना इसके रिम में, और आपने इसको वाटर से वॉश कर देना। थोड़ा बहुत ही झाग भी बनाता है, इट्स लाइक यू नो जैसे एक लिक्विड डिटर्जेंट होता है बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा। इसके बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस भी आती है बिकॉज इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई होप आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों के बहुत सारे जो मिथ्स होंगे, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे जो मेंसुरल कप से रिलेटेड थे वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके होंगे। बट स्टिल अगर आप लोगों के माइंड में अभी भी किसी भी कोई तरीके का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं सो दैट मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूँ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एंड साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय सी यू।